बाकी स्वच्छता ही सेवा जो है या सफाई जो है, सफाई जो है, सफाई की बात हम करें तो सफाई ये नहीं है कि हमने अक्टूबर आया और हमने झाड़ू पकड़ी और सफाई करवाई। हमारी सफाई जो है 12 महीने चलनी चाहिए। ये वाले प्रोग्राम जो है डीपीओ के, वीडियो के और वीएलडब्ल्यू के 12 महीने चलने चाहिए। आज का वीडियो जी आई फ्लायर स्कूल की सफाई करवाने गया है, आज कहा जी 4-5 लोग पकड़े डीसी ऑफिस के अंदर चले गए सफाई करवाने के लिए। इससे क्या होता है कि इससे मैसेज आता है, मीडिया कवरेज मिल जाएगी आपकी, यार डीसी ऑफिस में जी एसबीएम के ऑफिशियल्स ने आके आज डीसी ऑफिस की सफाई करा दी। ठीक है, ये चीजें जो ऑर्गेनाइज करें, कुछ इनोवेशन लाएं, इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाएं, जिससे इनोवेशन एक्चुअली में इनोवेशन आए तो काम होगा। लोगों को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन सबसे जरूरी है। मोटिवेशन, जब तक मोटिवेट लोग नहीं होंगे तब तक हमें कोई काम करने का पर्पज ही नहीं है। बैतुल खला डंडे से बना के देंगे, जब उसका यूज नहीं हो तो फायदा क्या होगा। एक बार बच्चा मोटिवेट हो गया और एक बार बच्चे को अगर पार्टी टॉयलेट की, फिर वो रातों रात अपने माँ बाप टॉयलेट बनवाएगा। और अपने और माँ बाप बच्चे के आगे कभी ना नहीं करते। अगर मेरा बच्चा बोलेगा मुझे इसका फोन लेना है या पापा मुझे फोन लेना है, शाम को मुझे उसको फोन लेके देना ही देना है, चाहे मेरी जी पॉकेट में बनी है या नहीं है। ये सबके साथ है, सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, सब पेरेंट्स ऐसा होता है। क्योंकि पॉकेट में मनी है या नहीं है उसको जिम्मेवारी नहीं है। मैं कल का आपको सुनाऊंगा, कल मेरे छोटे लड़के ने कहा मैंने जाना ही जाना है, कहा मैंने वेरमाल जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। वो एक घंटा रोता रहा लेकिन अल्टीमेटली में उसको ले गया। हुआ क्या, गेट पे जाके सिक्योरिटी से लड़ाई होगी मेरी, गेट पे सिक्योरिटी से नहीं तुम्हें होगी ऐसे मुफ्त में, क्योंकि मेरा माइंड नहीं था जाने का उधर, उसने मुझे तंग किया, जाना पड़ा मुझे। तो सिक्योरिटी वालों ने इतनी वहां बदतमीजी होगी, सिक्योरिटी वालों ने मेरी आपस में तू तू मैम होगी, ड्राइवर नहीं था वो था घर गया हुआ था। तो ये बात है कि जब तक टारगेट नहीं करोगे आप, उस बच्चे को टारगेट नहीं करोगे, उस वहां टारगेट करो, वहां हिट करो जिससे रिजल्ट मिलेगा, वहां मत हिट करो कि जिससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। 50 साल के बुजुर्ग को आप बोलोगे टारगेट बना, वो कभी वो उसको कभी वो कभी नहीं आएगा उसकी तरफ, क्योंकि उसका माइंड सेट ऐसा है कि वो ओपन में जाएगा, उसको बना है नहीं मैं ओपन में जाऊंगा। अगर उसकी बजाय आप उसका पोता या पोती को आप टारगेट करोगे, उसके पोते या पोती को सिखाओगे बच्चे इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। हमारे टाइम में क्या था, जब हम बचे थे सुबह सुबह जाते प्रेयर में नेल कराओ मैडम नेल चेक करती थी। हम क्या करते हर सैटरडे संडे को नेल काटते थे और सुबह मंडे को मैडम नेल चेक करना है, बूट साफ पैर साफ करो, ये उस वक्त की बात। तो यही चीज़ें आपने आज दोबारा से लानी है, जो हमारे बुजुर्ग उस दौर में करते थे आपको किताबों में लिख के आ रहा है, यही है ना, बुजुर्ग करते थे ये चीजें, तो आप ये चीजें किताबों में होके आ रही है, किताबों के जरिए आप तक पहुंच रही है। तो मैं काफी वक्त आपका हो गया है लिया हमने वक्त, बहरहाल मैं डीपीओ साहब का यहाँ की जो हमारे डीपीओ नए डीपीओ यंग एनर्जेटिक डीपीओ है, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे काम बातें कही आपके सामने, बिलखसूस मैं डीपीओ साहब का और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहिबान का और जो हमारे फील्ड फंक्शनरी यहाँ पे आए हैं, जो जिससे हमारे इस डिपार्टमेंट की शान है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस मैडम जम्मू से चल के बेचारी बारिश में, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ से आए, हमने यहाँ पे मीटिंग ली, आज अच्छी मीटिंग रही, इसके रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ मैंने मीटिंग्स ली हैं, कहना नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ मैंने मीटिंग्स ली है उन डिस्ट्रिक्ट से हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं यही कोशिश करूंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट से भी मुझे 2-4 दिन में हम जब इसको देखें तो हमें लगे कि हमने जो मीटिंग वहाँ पे की थी, हम जो वहाँ पे इतना गवर्नमेंट का पैसा खर्च करके वहाँ पहुँचे थे, 5-6 लोग वहाँ पे गए थे, दिन भर हम वहाँ पे बैठे, हमने आपसे किया तो उसका जो है रिस्पॉन्ड, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करने से हमें अचीवमेंट दिखी। बाकी लास्ट पे जो ब्लॉक्स हमने ODF करने हैं उनकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और एक ब्लॉक हमने इस बार नया और प्रपोज किया है, दरहाल का ब्लॉक हमने प्रपोज किया, उसको हमने ODF करना है। तो अब आपके हो गए 4 ब्लॉक्स के फील्ड फंक्शनरीज, 4 ब्लॉक के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड DPO को मैं ये बताता हूँ कि इन ब्लॉकों पे आपने कंसंट्रेट करना है, बाकी में तो करना ही करना है, लेकिन आपका ज्यादा कंसंट्रेशन टुवर्ड्स 3-4 ब्लॉकों में होना चाहिए। 3-4 ब्लॉकों की आपने रेगुलरली फील्ड फंक्शनरीज की मीटिंग करनी है, GRS की मीटिंग करनी है, और इन ब्लॉकों में आप जो है प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो है वो शुरू कीजिए, ताकि इन ब्लॉक्स को हम ODF डिक्लेयर कर पाए। तो जब भी DC साहब वापस आते हैं तो मैं उनसे जो है वो टाइम लेके उनसे बात करके हम एक और मीटिंग कर लेंगे, उसमें बड़ी मीटिंग करेंगे, उस दिन बाहर मीटिंग करेंगे, उस दिन सब VLWs को सब GRS को कॉल करेंगे, हमारा एक मीटिंग कम ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी बैठेंगे। तो बहरहाल इसी के साथ
वीडियो साहिबान बैठेंगे बाकी वीएलडब्ल्यू जो है वो जा सकते हैं आज आपका जो है रजौरी टूर रहा एज डायरेक्टर सैनिटेशन फर्स्ट टाइम आप रजौरी में आए और आपने जो है अपने तमाम तर वीडियोस और मुलाजमों से बातचीत की तो आप बताएंगे थोड़ा सा इसमें आप ये अचानक जो दौरा था आपका किस हवाले से था देखिए जहाँ तक आप दौरे की बात करते हैं लगभग दो महीने पहले मुझे डायरेक्टर सैनिटेशन जो है तैनात किया गया उसके बाद एक मीटिंग ली हमारे मिनिस्टर साहब ने 9 नवंबर को पंचायत भवन जम्मू में मीटिंग हुई मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया था कि डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करेंगे और वहाँ से जाके ब्लॉक लेवल की प्रोग्रेस जो है एसबीएम की वो जो है वो रिव्यू करेंगे और अकॉर्डिंगली उसका एक जो है रिपोर्ट मुझे करेंगे तो उसी की उस कड़ी में जो है आज यहाँ रजौरी का दौरा हुआ और लगभग रजौरी के 19 ब्लॉकों का जो है एसबीएम के अंदर जो इन्होंने काम किए हैं उसका जायज़ा लिया गया बहरहाल जितना काम होना चाहिए था एसबीएम के अंदर उतना काम तो अभी रजौरी में हुआ नहीं है अगर हम कवरेज की बात करें तो सिर्फ 23% फैमिलीज अभी तक हमने कवर किए हैं जिनके यहाँ टॉयलेट्स हैं और अभी भी हमने 80% लोग ऐसे हैं जो अभी भी ओपन डेफिकेट करते हैं तो उस सिलसिले में एक डिटेल मीटिंग ली गई और मीटिंग में ये तमाम जो अच्छा सर ये ODF के हवाले से आप कुछ बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कितनी पंचायतें या कौन सी ब्लॉक आप ODF करने जा रहे हैं जहाँ तक हम बात करें अगर तो हमने तो फैसला लिया था कि इस बार रजौरी डिस्ट्रिक्ट को ही ODF डिक्लेयर करेंगे जी जी लेकिन जो प्रोग्रेस है और जो अचीवमेंट है और जो कवरेज है उसके हिसाब से लगता नहीं हमें कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में उसको हम ODF डिक्लेयर कर सकते जी लेकिन हमारी जो है यही कोशिश रहेगी कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट को 2 अक्टूबर 2018 को जो है वो ODF डिक्लेयर किया जाए लेकिन इसके बरक्स हमने इस बार जो है 4 ब्लॉक्स को जो है ODF डिक्लेयर करना है जिनमें लंबेड़ी है डांगरी है पलांगड़ है और दरसाल ब्लॉक को है ODF डिक्लेयर करना है उसके लिए जो है उन ब्लॉक्स में काफ़ी कवरेज हो चुकी है और 31 दिसंबर तक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने एश्योरेंस दी है कि हम 31 दिसंबर तक जो है इन ब्लॉक्स को जो है वो ODF डिक्लेयर करेंगे इसके साथ साथ इन ब्लॉक्स की जितनी पंचायत होंगी वो ऑटोमेटिकली ODF डिक्लेयर हो जाएंगी और इसके अलावा जो है कुछ और पंचायत जो है डिक्लेयर ODF का स्टेटस अचीव कर चुकी हैं और उसके ज़मन में हमने तमाम वीडियोज़ को और तमाम सेक्रेटरी पंचायत को हदायत दी है कि जो जो पंचायत से आप जिन्होंने ODF स्टेटस डिक्लेयर कर लिया है वहाँ पर जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया जाए उन लोगों की हौसला अफजाई की जाए उन फील्ड फंक्शनलिटीज जिन्होंने ODF डिक्लेयर अचीव करने में उस पंचायत में अच्छा काम किया है उनको जो है बाज़ाब्ता जो फेलिसिटेट किया जाए उनको कुछ कैश अवार्ड जो कुछ सर्टिफिकेट्स जो है तो ये हदायत मैंने इनको दे दी है जो जो पंचायत ODF डिक्लेयर हो चुकी हैं वहाँ के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएँ और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन को वहाँ पर ले जाया जाए ताकि उन लोगों को जो है नवाजा जाए सर ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स रहती है कि दूर दराज जो क्योंकि हिली स्टेशन है हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी पूरा हिली है तो वहाँ तक वो मटेरियल नहीं पहुँचा सकते तो उस कारण कई बार हमारे जो हैं वो लोग यूनिट नहीं बनाते हैं तो इसमें आप जहाँ तक आपने कहा कि मटेरियल वाली बात ये लोकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है इसमें जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना है ये कहीं गाइडलाइंस में नहीं बताया गया है कि आपको पक्का जो है बैतुल खुला क्या करना है इसमें जो हमारा लीच पिट होता है वो तो होता ही कच्चा है उसमें तो प्लास्टरिंग करने की या पक्का करने की ज़रूरत नहीं होती है सिर्फ जो प्लेटफॉर्म जो है जिसमें वो हमारा जो सीट जो है फिक्स होता है वो सीट जो है वो प्लेटफॉर्म पक्का होना चाहिए इसके अलावा जो है सुपर स्ट्रक्चर जो है वो हमारा जो लोकली यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है उससे भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें एक चीज़ है जो वॉश बेसिन है वो टंकी जो है वो जुड़ी होनी चाहिए और पानी का कनेक्शन जुड़ी होना चाहिए ऐसा कहीं गाइडलाइन हमें नहीं कहती है कि आप जो है पक्का सुपर स्ट्रक्चर बनवाएं जो